नमस्कार, मैं हूं प्रज्ञा। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। सत्येंद्र नारायण सिन्हा की जयंती पर सीएम नीतीश ने अर्पित की श्रद्धांजलि। पटना और मुजफ्फरपुर रूट पर कई ट्रेनें रद्द। ट्रक से 50 लाख की विदेशी शराब बरामद। संभावित बाढ़ को लेकर आपदा प्रबंधन विभाग ने किया अलर्ट। एक्टर हरीश कल्याण ने धोनी के साथ शेयर की अपनी फोटो। इसके साथ ही बढ़ते हैं शाम तक की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। सत्येंद्र नारायण सिन्हा की जयंती पर सीएम नीतीश ने अर्पित की श्रद्धांजलि। आज यानी कि 12 जुलाई को बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री स्वतंत्रता सेनानी और राजनीतिज्ञ सत्येंद्र नारायण सिन्हा की जयंती है। उनके जयंती के अवसर पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के द्वारा बिहार की राजधानी पटना के श्री कृष्णापुरी पार्क में आयोजित राजकीय समारोह में उनकी आदमकद प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि स्वर्गीय सत्येंद्र नारायण सिन्हा को लोग प्यार से छोटे साहब कहकर बुलाते थे। मालूम हो कि इनकी जीवनी को समेटते हुए सत्येंद्र नारायण सिन्हा स्मृति ग्रंथ समिति के द्वारा एक पुस्तक का भी प्रकाशन किया गया है, जिसमें सत्येंद्र नारायण सिन्हा से जुड़े दुर्लभ चित्रों के संग्रह हैं और साथ ही कई महत्वपूर्ण लोगों के द्वारा उन पर लिखे गए आलेख भी। सभी विभागों में आंतरिक और 38 जिलाधिकारी कार्यालय में बनी स्थानीय समिति। राज्य के किसी महिला का यौन शोषण आदि के खिलाफ शिकायत करने में कोई परेशानी का सामना न करना पड़े, इसके लिए बिहार महिला एवं बाल विकास निगम के द्वारा राज्य के 53 विभागों में अनांतरिक समिति का गठन किया गया है, जो कि विभागीय स्तर पर कार्य करेगी। इसके साथ ही सभी जिलाधिकारी कार्यालय में स्थानीय समिति भी बनाई गई है, जिससे कि महिलाएं जिला स्तर पर अपनी शिकायतों को कर सकती हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आंतरिक और स्थानीय समिति का गठन किसी कार्यालय में तभी किया जा सकेगा जब कार्यस्थल पर 10 या उससे अधिक महिला कर्मचारी कार्यरत रहेंगे। मालूम हो कि इसको लेकर इससे पहले भी जिलाधिकारी को पत्र लिखकर समिति ने गठन की सूचना दे दी थी। बता दें कि बनाए जाने वाले समिति में आंतरिक समिति में 4 सदस्य तो वहीं स्थानीय समिति में 5 सदस्य रहेंगे। इस समिति में पुरुष को भी रखा गया है, लेकिन महिलाओं की संख्या 50% से अधिक होगी। किसी भी शिकायत का सही निर्णय लिया जा सके, इसके लिए समिति में कार्यालय कर्मी और अधिकारी के अलावा गैर सरकारी संगठन के लोगों को भी रखा गया है। पटना और मुजफ्फरपुर रूट पर कई ट्रेनें रद्द। उत्तर भारत में हो रही बारिश के कारण अलग अलग जोन के कई स्टेशनों के ट्रैक डूब गए हैं, जिसका असर ट्रेनों के परिचालन पर पड़ रहा है। वहीं मुजफ्फरपुर रूट पर दोहरीकरण कार्य को लेकर दिल्ली और पंजाब जाने वाली भी कई ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है, जिसमें 05231 बरौनी आनंद विहार स्पेशल 13 जुलाई को रद्द किया गया, 05232 आनंद विहार बरौनी स्पेशल 14 जुलाई को, 05274 अमृतसर समस्तीपुर स्पेशल 13 जुलाई, 05267 जयनगर अमृतसर स्पेशल 14 जुलाई, 05268 अमृतसर जयनगर स्पेशल 16 जुलाई, 14603 सहरसा अमृतसर जनसाधारण एक्सप्रेस 14 जुलाई, 12491 बरौनी जम्मू तवी मौर्य ध्वज एक्सप्रेस 16 जुलाई, 12492 जम्मू तवी बरौनी मौर्य ध्वज एक्सप्रेस 14 जुलाई को, 15531 सहरसा अमृतसर जनसाधारण एक्सप्रेस 16 जुलाई, 15532 अमृतसर सहरसा जनसाधारण एक्सप्रेस 17 जुलाई, 15655 कामाख्या श्री वैष्णो देवी कटरा एक्सप्रेस 16 जुलाई, 15212 अमृतसर दरभंगा जननायक एक्सप्रेस 17 जुलाई, 15211 दरभंगा अमृतसर जननायक एक्सप्रेस 18 जुलाई, 14618 अमृतसर बनमनखी जनसेवा एक्सप्रेस 17 जुलाई और 14617 बनमनखी अमृतसर जनसेवा एक्सप्रेस 19 जुलाई तक रद्द है। मलमास मेले में कलाकारों की प्रस्तुति के लिए हुआ ऑडिशन। बिहार के राजगीर में 18 जुलाई से विश्व प्रसिद्ध मलमास मेले की शुरुआत हो रही है। ऐसे में इस मेले में लोगों को निशुल्क स्थानीय कलाकारों की कला देखने का मौका मिलेगा। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि मलमास मेले के 9 दिन कला संस्कृति एवं युवा विभाग के सौजन्य से संस्कृति कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, तो वहीं बाकी के बच्चे शेष 19 दिन जिला प्रशासन के माध्यम से विभिन्न सरकारी गैर सरकारी और नालंदा जिले के स्थानीय कलाकारों के द्वारा मंच पर प्रस्तुति दी जाएगी, जिसके लिए सरकारी विद्यालय के बच्चों द्वारा नगर भवन में ऑडिशन दिया गया और स्क्रीनिंग की गई, ताकि उनका चयन प्रस्तुति देने के लिए किया जा सके। वहीं अब 14 जुलाई को सुबह 10 बजे निजी विद्यालयों महाविद्यालयों एवं स्थानीय कलाकारों की स्क्रीनिंग की जानी है। अब देश के बड़े म्यूजियम में दिखेगी भागलपुर की मंजूषा पेंटिंग। जब से भागलपुर की मंजूषा पेंटिंग को GI टैग मिला है, तब से इस पेंटिंग की मांग पहले की तुलना में काफी बढ़ गई है। वहीं अब इस पेंटिंग को देश के बड़े बड़े म्यूजियम में भी लगाया जाएगा। बता दें कि दिल्ली के रविंद्र भवन म्यूजियम और भागलपुर के म्यूजियम में स्टेट अवार्डी मंजूषा कलाकार उल्पी झा का पेंटिंग लगाया जाएगा। मालूम हो कि इससे पहले भी उनके द्वारा बनाई गई पेंटिंग को बिहार म्यूजियम की आर्ट गैलरी में लगाया जा चुका है, जो महिला सशक्तिकरण पर बनाया गया था। इन सबके अलावा मंजूषा गुरु मनोज पंडित की पेंटिंग, जो कि मंजूषा कला चित्र के
थीम पर तैयार किया गया था उसे पटना में बन रहे म्यूजियम में लगाया जाएगा। इससे पहले इस साल जनवरी महीने में उनकी पेंटिंग बनारस म्यूजियम में लगाई गई थी। मालूम हो कि मंजूषा पेंटिंग को GI टैग मिलने के बाद इस पेंटिंग की कीमत में भी बढ़ोतरी हो गई है। इतने सालों में शुरू होगा पटना मेट्रो का सफर। राज्य सरकार की योजना के मुताबिक अगले 4 से 5 सालों में पटना मेट्रो का सफर शुरू हो जाएगा। बता दें कि फिलहाल योजना के अनुसार पटना मेट्रो को दोनों कॉरिडोर पटना जंक्शन से ISBT और दानापुर से मीठापुर पर काम शुरू हो चुका है। बता दें कि कॉरिडोर 2 में मलाही पकड़ी से ISBT के लिए एलिवेटेड रूट के 42% काम पूरे हो चुके हैं। वहीं DMRC के मुताबिक वर्ष 2024 तक प्रायोरिटी कॉरिडोर का सिविल काम खत्म करने के लक्ष्य रखा गया है। इसके अलावा कॉरिडोर 2 के अंडरग्राउंड रूट पर भी अप्रैल 2023 से काम शुरू हो चुके हैं, जबकि कॉरिडोर 2 में बेली रोड पर बनने वाले 6 भूमिगत स्टेशनों के लिए सुरंग की खुदाई का काम अगले साल मार्च तक शुरू हो सकता है। राष्ट्रमंडल खेल में वेट लिफ्टिंग गेम की रेफरी बनी सिवान की सृष्टि। दिल्ली से सटे यूपी के ग्रेटर नोएडा में चल रहे राष्ट्रमंडल खेलों में इस बार भारोत्तोलन चैंपियनशिप में रेफरी की भूमिका में बिहार के सिवान जिले से सृष्टि सिंह निभाने वाली हैं। बता दें कि सिवान के एक छोटे से गांव की रहने वाली हैं। वह इस खबर को सुनकर उनके परिवार में खुशी का माहौल है। मालूम हो कि इससे पहले इस खेल में सृष्टि सिंह के द्वारा दर्जनों पदक जीते जा चुके हैं। बता दें कि सृष्टि सिंह के द्वारा वर्ष 2008 में जूनियर राष्ट्रमंडल खेल में अच्छा प्रदर्शन किया गया था, जिसमें उन्होंने सिल्वर मेडल प्राप्त किया था। वहीं वर्ष 2010 में भी उन्होंने राष्ट्रमंडल वेट लिफ्टिंग खेल में अच्छा प्रदर्शन दिखाया था। इस खबर को सुनकर सृष्टि सिंह की मां के द्वारा कहा गया कि सृष्टि को बचपन से ही खेल का शौक था, उसने कई मेडल जीते हैं, अब वह रेफरी की भूमिका दूसरी बार निभा रही है तो अच्छा लग रहा है। देश की बेटियों को ऐसे ही आगे बढ़ना चाहिए। संभावित बाढ़ को लेकर आपदा प्रबंधन विभाग ने किया अलर्ट। बिहार के नदियों में बढ़ते जलस्तर को देखते हुए लोगों के बीच बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। वहीं अब बिहार सरकार के आपदा प्रबंधन विभाग के अपर मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत के द्वारा भी राज्य में संभावित बाढ़ की स्थिति को देखते हुए अलर्ट जारी कर दिया गया है। बता दें विभाग की ओर से हर स्थिति से निपटने के लिए विभागीय अधिकारी NDRF SDRF जिलों से आपदा प्रबंधन के सभी ADM को तैयार रहने का निर्देश दिया गया है। वहीं जिलों में तैनात अधिकारियों के द्वारा अपर मुख्य सचिव को जानकारी देते हुए बताया गया कि बाढ़ को लेकर पूरी तैयारी कर ली गई है। बता दें कि अपर मुख्य सचिव के द्वारा निर्देश देते हुए कहा गया कि बाढ़ से प्रभावित इलाकों में लोगों के बीच बाढ़ से पूर्व ही जागरूकता अभियान चलाया जाए। इन सबके अलावा राज्य के कई जिलों में NDRF की टीम को भी रवाना कर दिया गया है। ट्रक से 50 लाख की विदेशी शराब बरामद। बिहार में पूर्ण रूप से शराबबंदी है, इससे तो हम सभी वाकिफ हैं, लेकिन इसके बावजूद भी आए दिन हमें शराब तस्करी से जुड़े मामले सुनने को मिलते रहते हैं। बता दें कि ताजा मामला बिहार के गया जिले के डोभी थाना क्षेत्र का है, जहां डोभी थाना के पुलिस के द्वारा गुप्त सूचना के आधार पर एक ट्रक से शराब की बड़ी खेप बरामद की गई है। बता दें कि ट्रक से करीब 580 कार्टन विदेशी शराब बरामद किया गया है, जिसकी कीमत अनुमानित तौर पर 50 लाख रुपए तक बताई जा रही। हालांकि इस दौरान पुलिस के द्वारा ट्रक चालक की गिरफ्तारी नहीं की जा सकी, क्योंकि वह वाहन छोड़कर पुलिस को चकमा देकर भागने में सफल हो गया। फिलहाल पुलिस इस मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। बता दें कि इस मामले को लेकर डोभी थानाध्यक्ष आलोक कुमार के द्वारा जानकारी देते हुए बताया गया कि शराब लोड ट्रक को डोभी से गया की ओर ले जाया जा रहा था। तेजस्वी यादव को जमीन के बदले नौकरी मामले में मिली बड़ी राहत। जमीन के बदले नौकरी मामले को लेकर बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के खिलाफ चार्जशीट दायर होने के बाद आज पहली सुनवाई की गई, जो कि दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट के द्वारा किया गया। बता दें कि इस मामले पर सुनवाई करते हुए दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट के द्वारा सुनवाई को 8 अगस्त तक टाल दिया गया, जिससे कि लालू परिवार को काफी राहत मिली है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस मामले को लेकर बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के साथ राजद सुप्रीमो लालू यादव और बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी समेत 17 लोगों के खिलाफ CBI के द्वारा सप्लीमेंट्री चार्जशीट पिछले हफ्ते ही दायर की गई थी। मालूम हो कि इस केस की 2 एजेंसियों के द्वारा जांच की जा रही है। राज्य के इतने विद्यालय महाविद्यालयों ने नहीं डाउनलोड किया इंटरमीडिएट प्रथम डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड। बिहार बोर्ड के द्वारा इंटर परीक्षा 2024 के लिए 406 स्कूल और कॉलेज की सूची जारी की गई है, जिन्होंने अब तक डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड डाउनलोड नहीं किया है। इसी को लेकर बोर्ड के द्वारा दूसरा डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड में त्रुटि सुधार की तिथि को बढ़ा दिया गया है, जिसके बाद अब 16 जुलाई तक स्कूल और कॉलेज प्रशासन की ओर से इंटरमीडिएट का दूसरा डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड में सुधार किया जा सकता है। इसके पहले अंतिम तिथि 10 जुलाई थी। बता दें कि बोर्ड की ओर से जिन 406 स्कूल और कॉलेजों की सूची जारी की गई है, उसके बारे में जानकारी समीक्षा के क्रम में सामने आई। वहीं अब बोर्ड की ओर से इन सक्षम संस्थानों के प्रधान को सख्त निर्देश दिया गया है कि डमी सूचीकरण कार्ड समिति के वेबसाइट से डाउनलोड कर विद्यार्थियों को प्राप्त करना सुनिश्चित करेंगे।
सदन में तेजस्वी के जवाब देने पर उठाई गई कुर्सी। आज यानी कि 12 जुलाई को बिहार विधानसभा के मॉनसून सत्र के तीसरे दिन के कार्यवाही में अंक सूची प्रश्नों के बाद तारांकित प्रश्नों का जवाब देने के दौरान बीजेपी के द्वारा जमकर विरोध किया गया। दरअसल तारांकित प्रश्नों का जवाब देने के लिए बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव सदन में खड़े हुए तो बीजेपी के द्वारा उनका विरोध किया जाने लगा, जिसके बाद बीजेपी के विधायक के द्वारा कुर्सी उठाकर सदन के अंदर पोस्टर पर दिखाए गए, जिसके बाद अध्यक्ष के द्वारा पोस्टर को हटाने का निर्देश दे दिया गया और साथ ही स्पीकर के द्वारा चेतावनी देते हुए कहा गया कि अगर आप इस तरह का आचरण करते हैं तो मुझे कार्रवाई करनी पड़ेगी। और इसके बाद स्पीकर के द्वारा सदन की कार्यवाही कल तक के लिए स्थगित कर दी गई। नीतीश तेजस्वी के खिलाफ किसान सलाहकारों ने लगाए जमकर नारे। बिहार की राजधानी पटना की सड़कों पर किसान सलाहकारों के द्वारा बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के खिलाफ जमकर नारेबाजी की जा रही है। दरअसल उनका कहना है कि अगर हम लोगों को जन्म दिया गया है तो हमें पोषण भी दिया जाए। वहीं लगातार हंगामे को बढ़ते देखकर पुलिस के द्वारा उन पर बल का भी प्रयोग किया गया। बता दें कि किसान सलाहकारों के द्वारा सरकार के खिलाफ आर ब्लॉक के पास प्रदर्शन किया जा रहा है। खबर लिखे जाने तक पुलिस के द्वारा किसानों को आर ब्लॉक तक ही रोक कर रखा गया था। वहीं प्रदर्शन को देखते हुए पुलिस फोर्स की भारी संख्या में तैनाती की गई है। वहीं सभी प्रयासों के बीच अब यह भी बात निकलकर सामने आ रही है कि पुलिस के तरफ से किसानों पर बल का प्रयोग भी किया जा सकता है। ग्रामीण विकास विभाग के विभिन्न योजनाओं की मंत्री श्रवण कुमार ने की समीक्षा। ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार के द्वारा राज्य के 38 जिलों के उप विकास आयुक्तों के साथ ग्रामीण विकास विभाग की विभिन्न योजनाओं की समीक्षा बैठक के दौरान सभी अधिकारियों को निर्देशित देते हुए कहा गया कि वे कार्यस्थल पर प्रधानमंत्री आवास योजना में खर्च की गई राज्य सरकार के हिस्से की 40% राशि और मनरेगा में खर्च की गई 25% राशि की सूचना लगाए। इसके साथ ही जमीन मुख्यमंत्री वास स्थल क्रय योजना के तहत यदि आवास के निर्माण के लिए जमीन का आवंटन मुख्यमंत्री वास स्थल क्रय योजना के तहत किया गया है तो इसकी सूचना भी अनिवार्य रूप से अंकित करें। मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत जितने आवास तैयार हो चुके हैं उन सभी पर प्रतीक चिन्ह लगाया जाए। वहीं महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत जिन आवासों का निर्माण करवाया गया है उनमें राज्य सरकार के द्वारा खर्च किए गए 25% की जानकारी भी कार्यस्थल पर अंकित किया जाए। एक्टर हरीश कल्याण ने धोनी के साथ शेयर की अपनी फोटो। भारतीय टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी के द्वारा अपने प्रोडक्शन हाउस LGM में बनी पहली फिल्म लेट्स गेट मैरिड जो तमिल में है उसका ट्रेलर लॉन्च कर दिया गया। बता दें कि इस फिल्म में अभिनेता के रूप में हरीश कल्याण है जिन्होंने ट्रेलर लॉन्च होने के बाद धोनी से मुलाकात की। वहीं अब धोनी और हरीश कल्याण का एक फोटो सामने आया है जिसमें दोनों काले सूट में नजर आ रहे हैं। बता दें कि धोनी की यह तस्वीर सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है। बता दें कि ट्रेलर लॉन्च करने के बाद MS धोनी के द्वारा कहा गया कि चेन्नई के साथ उनका खास रिश्ता है। उन्होंने टेस्ट में टीम इंडिया के लिए डेब्यू चेन्नई के मैदान पर ही किया। उन्होंने सर्वाधिक रन भी चेन्नई के मैदान पर बनाए हैं। वहीं IPL में वह चेन्नई की फ्रेंचाइजी के लिए खेलते हैं और अब उनकी पहली फिल्म भी यहीं बन रही है। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिख कर दिया था। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है रंजीत मिश्रा, रवि कुमार राम, कन्हैया कुमार, मुटुर रंगीला, बद्री कुमार, उन्नो गोलू कुमार, बाबूलाल मरांडी, विनीत चौहान, अमन कुमार, रोशनी खातून, अरुण प्रभाकर, मोहम्मद सकीर हुसैन, कुश कुमार यादव, रवि कुमार राम, नौसद अंसारी। इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, आपके अनुसार अब तक बिहार के हुए मुख्यमंत्री में किनका कार्यकाल सबसे बेहतरीन रहा है? अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहें बिहारी न्यूज। और साथ ही अगर आप YouTube से देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करना और अगर आप Facebook से देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।